बताया था कि आत्माओं को अपना पार बजाने के लिए संकल्प उठेगा कि हमें अभी जाना है और अपना अपना राजभाव करना है, तो कब उठेगा और कहाँ उठेगा? रिकॉर्ड बजता है, सुई उस पर चलती है। जैसे ही सुई रिकॉर्ड पर रखी जाती है, क्या उसी समय आवाज शुरू हो जाती है? आदि में रिकॉर्ड बने हुए हैं, उसके अनुसार तो आवाज भी शुरू हो जाती है, दिखने भी लगता है। आत्मा में तो रिकॉर्ड भरा हुआ है ना, तो आत्मा में जो रिकॉर्ड भरा हुआ है, जब समय की सुई आती है तो उसी समय उस आत्मा को वहां से हटना पड़ता है संकल्प चलाने के लिए। परम धाम में संकल्प नहीं होता, टाइम आता है तो वहां से वो अलग होती है और संकल्प चलता है और इस सृष्टि पर पाठ बजाने के लिए आ जाती है। और सभी आत्माओं का मैं चौरासी जन्मों का पाठ किस तरह खुलता है, अपना पाठ किस तरह खुलता है, या योग से, ध्यान से, ज्ञान से, साक्षात्कार से? हाँ, पाठ खुलता है, किस तरह खुलता है? आत्मा याद करते करते जब अपनी निश्चित ऊंचे से ऊंची स्टेज पर पहुंचती है तो उसमें मनन चिंतन मंथन की स्टेज आ जाती है। अपना अपना मनन चिंतन मंथन करके ही हर आत्मा अपना पार्ट खोलती है। अपने को अपने से ज्यादा कोई दूसरा जान सकता है क्या? नहीं जान सकता। तो ये भी पुरुषार्थ है पुरुष माने आत्मा। शरीर रूपी रथ में शयन करने वाली, शरीर रूपी रथ में रह करके ही मनन चिंतन मंथन हो सकता है, परंतु देहधारी गुरुओं ने गलत रास्ता दिखाया। उन्होंने मन को, आत्मा को, बुद्धि को और ही देहभानी बना दिया कि सूक्ष्म बनाते हैं आत्मा को, देहभानी बना देते हैं और भगवान आकर है पहला पाठ ही क्या पढ़ाते हैं कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, अति सूक्ष्म आत्मा हो। तो वो सूक्ष्म आत्मा अपनी निश्चित स्टेज पर पहुंच करके मनन चिंतन मंथन करना शुरू कर देती है। साक्षात्कार भक्तों को होते हैं और भक्त आत्मा मुझे प्रिय है, ऐसे नहीं कहा। क्या कहा? ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है। जानने की इच्छा रखने वाला और हर आत्मा को अपने बारे में जानने की ज्यादा इच्छा होती है या दूसरों के बारे में जानने की ज्यादा इच्छा होती है? हर आत्मा चाहती है कि मेरे बारे में, मेरी आत्मा में अनेक जन्मों का क्या क्या पार्ट भरा हुआ है वो मुझे पता चले। तो अपने अपने पुरुषार्थ में लग जाते हैं। और बाबा ने बताया कि किसी का सब भूषा नहीं करना, तो परिवार में जो विरोधी है बाबा का, जैसे लौकिक में कोई विरोधी है तो बाबा का काम में हमेशा बाधा बन के खड़ा हो जाता है, तो उसका साथ
उसका सब विरोधी भाव करना है। वो जैसा कहेगा जैसा करेगा उसका फल नहीं पाएगा, पाएगा लेकिन हम फल नहीं करना चाहिए ना। आप ला अपने हाथ में उठाना चाहेंगे, फिर जब नियम बना हुआ है जो जैसा कहेगा या जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, तो हमको क्या पड़ी है कि श्रीमत के बरखिलाफ होकर के चले। श्रीमत तो कहती है हिंसा नहीं करनी है, न हद की करनी है और न बेहद की हिंसा करनी है। जैसे उसको कोर्स वगैरह कराया है, उसको कोर्स हुआ है, समझा है, फिर तुमने जो कुछ किया वो अच्छा किया, तुमको अच्छा मिलेगा। उसका पार्ट अब तुमने जो कुछ कराया तुमको फल मिलेगा कि नहीं? जब तक लौकिक खत्म नहीं होगा तब अलौकिक में कैसे चलेगा? लौकिक दुनिया जब तक खत्म नहीं होगा अलौकिक में कैसे चलेगा? अच्छा तो तलवार ले लो हाथ में और मार काट मताते मचाते चले जाओ। मन बुद्धि से चलना है। हाँ तो चलो फिर इसमें तो कोई बात ही नहीं, मुख से गंदी बात बोलनी चाहिए। हाँ वाचा से मत निकलने दो, कर्मेंद्रियों से बुरा कार्य मत होने दो। और विष्णु ये परम पद है, विष्णु परम पद है, और पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का मार्ग का प्रतीक है। तो प्रवृत्ति मार्ग में दादा दादी माता पिता और बच्चे सभी आते हैं, तो यहाँ कहाँ दिखाई देते? यहाँ संगम युग में ये कहाँ दिखाई देते? दादा दादी दिखाई नहीं देते हैं? तुम्हें लक्ष्मी और नारायण ही दिखाई देते हैं? लक्ष्मी नारायण दादा दादी। लक्ष्मी नारायण तो माता पिता हैं सारी सृष्टि के, विष्णु उनके जो बाप हैं जो माँ है वो नहीं दिखाई देती है? दिखाई देती कि नहीं? अर्धनारीश्वर दिखाई देता है तो वो ही है। और हाँ जी, आज मुंबई में आया था ना शिव बाबा, देख लो शिव बाबा भी एक एक का जीवन स्पष्ट रूप से बताते हैं। शिव बाबा भी एक एक का जीवन एक एक का जीवन स्पष्ट रूप में बताते हैं। मैंने हिंदी रोज में बताने की बात, वो कैसे बताएंगे एक एक का? संभव है? 750 करोड़ आत्माओं का एक एक का जीवन एक व्यक्ति बताए, ये संभव है? ये तो संभव ही नहीं है। एक भाई का सवाल है कि यदि उसको आनिश्चय आता है तो उसने जो कुछ सालों पहले करने के लिए गया था फरुखाबाद, तो उसका एफिडेविट वो मांग सकता है रिटर्न यज्ञ से या बाबा से? जब वो नीचे बुद्धि था और उसने एफिडेविट बना के दिया था बाबा को, फिर कुछ सालों के बाद किसी कारणवश यदि वो अनिच्छे बुद्धि बन जाता है और उनको यदि अपना लिखा हुआ एफिडेविट की ओरिजिनल कॉपी यदि चाहिए, किस लिए? तो विश्वास नहीं रहा। हाँ तो कोई बात नहीं, विश्वास नहीं रहा तो अपना रास्ता पकड़ो। तो यज्ञ की ओर से उसने जो एफिडेविट लिख के दिया था उसको वापस मिलने का कोई प्रावधान है? हाँ उसकी फोटो कॉपी मिल जाएगी। अच्छा ओरिजिनल नहीं मिल पाया, किस लिए? ओरिजिनल हमने बनवाया कि तुमने बनवाया? वो तो उसने बना के दिया। बना के दिया उसने, लेकिन बनवाया किसने? तो बाबा जी को रूल्स है डायरेक्शन अनुसार उसने बनवा के दिया। डायरेक्शन शिव बाबा का है ना, शिव बाबा के डायरेक्शन के अनुसार बनाया गया और यज्ञ के अंदर बनाया गया, तो प्रावधान यज्ञ का हुआ ना कि बनाने वाले का हुआ?
यज्ञ का हुआ तो उसकी फोटो कापी लेने का अधिकार है, उसकी फोटो कापी मिल जाएगी। और फोटो कापी किस लिए चाहता है? इसलिए चाहता है कि बाद में हम कह दें हमने कोई बाप नहीं बनाया दूसरा, हम तो एक ही बाप के बच्चे थे सदैव और अभी भी एक ही बाप के बच्चे हैं। जबकि वास्तविकता यह है शिव बाबा को छोड़कर कोई मोहम्मद को अपना बाप बना लेगा, कोई गुरु नानक को अपना बाप बना लेगा, तो प्रूफ ही खत्म हो जाए। ओरिजिनल दे देंगे तो प्रूफ खत्म होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो बनवाने का मतलब ही क्या हुआ? पता कैसे चलेगा कन्वर्ट हुआ है, कन्वर्ट होने वालों में है या नहीं है? ढेर बाप बनाने वाला है या एक बाप का बच्चा है? कैसे पता चलेगा? है बाबा तो कहते हैं कि धर्मराज जो सजाएं देगा वो प्रूफ दिखा के सजा देगा कि बिना प्रूफ के सजा दे देगा? और हाँ हाँ यूपी से कोई बीए नहीं बोला? यूपी से बीआईपी लाओ। हेलो बीआईपी लाओ। हाँ हाँ माने पीयू जो है वो दूसरा जन्म लेके उल्टा हो गया है? शब्द यदि लिखा जाए पहले पीयू और फिर से यदि उसका उल्टा किया जाए यूपी। यू नहीं है ऊ है। अच्छा अच्छा वो भाई पीयू है पीयू ऊ या नहीं है। और भारत का कोई भी लीला अभी विदेशियों के कब्जे में है। हाँ वो भारत को देना नहीं चाहते है? भारत को वापस देना नहीं चाहते। हाँ जिसके हाथ में अच्छी चीज आ जाएगी वैल्यूएबल चीज आ जाएगी वो दूसरे को दे देगा क्या है? अभी भारत जो स्थूल में है वो किसके इशारे पे चलता है? विदेशियों के इशारे पे चलता है। विदेशियों की मुट्ठी में है कि नहीं? जैसे स्थूल भारत विदेशियों की मुट्ठी में है ऐसे ही एडवांस पार्टी में 90% से ज्यादा दूसरे दूसरे धर्म के बीज हैं या नहीं है? बोलो हैं। तो उनके अनुसार चलना पड़े या नहीं चलना पड़े? नहीं चलना पड़े। अगर नहीं चलेंगे तो भी सारा बिगड़ जाएगा। इसलिए जो बेहद का भारत है वो भी लोन ले रहा है तब जिंदगी चल रही है। किससे लोन ले रहा है? एडवांस पार्टी की जब शुरुआत हुई सीढ़ी के चित्र में नीचे भीख लेते हुए भारत दिखाया गया है तो किस भारतवासियों से भीख मिल रही है या विदेशियों से भीख मिल रही है? है? किससे मिल रही है? विदेशियों से भीख मिल रही है। तो भीख देने वाला अपने कंट्रोल में रखता है या नहीं रखता है? अपने कंट्रोल में रखेगा। और बाबा ने बोलते हैं कि कोई गलती करेगा तो एक बार माफ करूंगा, दोबारा माफ करूंगा, लेकिन तीसरी बार माफ नहीं करूंगा। हाँ तो जो पांच जिक्र है काम क्रोध लोभ और कर्माया इसका अमरा तीन चांस है। इसका पांचों का अमरा तीन चांस है ना?
इसका मतलब जैसे तीन चांस बोला जाती है, किसी पर माफ नहीं करूंगा, तो जो पांच दिखा है मैं जो काम क्रोध लोभ काम का माया, इसका ओवरऑल तीन चांस है, तीन चांस है। इसको समझा दो, ये आगे बैठा अच्छी हिंदी बोलता है, मुझे भी समझ नहीं आया। तीन बार इसके पांचों के लिए तीन बार माफ होगा, तीन बार माफ नहीं दो बार माफ, तीसरी बार माफ नहीं करेंगे। हाँ तो क्या हुआ, तीन बार है क्या बोल रहा है, रुको रुको, माफ करना चाहिए है, पांच विकार है जो हम बच्चों में है, तो विकारों के द्वारा जो हम बच्चों में गलतियाँ होती है, तो 15 बार बाबा ने माफ करना चाहिए। क्यों क्यों 15 बार माफ कर दे है, तीन बार है ही नहीं दो बार है, है पहली बात तीन बार है ही नहीं दो बार है, और दूसरी बात ये है एक ही मुखिया को अगर मार लिया तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा, बार बार की बात ही खत्म, एक ही मुख्य है काम विकार, बार बार की बात ही खत्म हो जाती फिर। और राधा ही अनुराधा बन गए तो अनुराधा के नाम पर ही उपाय, जनक फिर अनुजनक अनुमाने उसको फॉलो करने वाला, अनुराधा माने राधा को फॉलो करने वाले, और कुमारों से ज्यादा कुमारी को कुमारों से ज्यादा महत्व कन्याओं को दिया है, गलत बात। बाबा ने कहा सात शीतलाएं एक तरफ और उनके साथ एक कुमार दिखाते हैं, और एक शीतला 100 ब्राह्मणों से उत्तम, तो वो एक कुमार की कीमत क्या हुई, 700 ब्राह्मणों के मुकाबले एक हो गया। कुमार हो तब ना, और साइन बंबई वाला साइन, ये तो कोई बात नहीं हुई, वो साई में बिंदी है ना नहीं है, हाँ। और नारी हाँ ब्रह्मा बाबा ही तो किसी में प्रवेश करके योगिनी बनता है, माँ है ना वो, इसलिए हाँ है असली साकार शरीर की पूजा होती है या बिंदी की पूजा होती है, साकार की पूजा होती है, हाँ दोनों मिलकर के ही परिवार चला सकते हैं, दो प्रैक्टिकल में साकार में नहीं होंगे तो परिवार नहीं चलेगा।
तो वो एक युगल दिखाया गया है जो तीन देवियों से भी उत्तम दिखाया गया है। तीन देवियां ब्रह्मा विष्णु शंकर की, तीन देवियां, उन तीनों देवियों की पूज्य है, उसको आत्री और अनुसुईया नाम दिया है। पूज्य तभी होता है जब ज्यादा प्योरिटी हो, और ज्यादा प्योरिटी का प्रूफ चाहिए। नई दुनिया की स्थापना लक्ष्मी आकर के करेगी या उसका फाउंडेशन पहले से ही पड़ जाता है? है? नई दुनिया का फाउंडेशन पहले से ही पड़ जाता है, लक्ष्मी तो बाद में आती है। जो जो फाउंडेशन डालने वाला है वो ज्यादा पावरफुल हुआ ना। और नहीं, कोई तो बड़े आसानी से उठाते हैं। ये एडवांस कोर्स जो है उसको सिद्ध करने वाले सूर्यवंशी हैं या दूसरे वंशी हैं? तो सूर्यवंशियों के लिए सहज होगा या कठिन होगा? है? उनके लिए तो सहज है, उन्हीं के लिए बनाया गया है और वो ही उसको प्राप्त करते हैं। तो वो बाबा को शरीर छोड़ने के बाद, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद मुरली में बताया होगा कि एडवांस में बता दिया? जो मनन चिंतन मंथन की चीज है वो बच्चा बुद्धि करेगी या सालिम बुद्धि करेगी? कौन करेगा? और ब्रह्मा बाबा को बच्चा बुद्धि कहें या सालिम बुद्धि कहें? बच्चा बुद्धि, यही कारण है। मन बुद्धि में क्या करे? गणपति ने क्या किया? अगमन तोड़ा। हाँ जी, गणपति पार्ट किसका है? ब्रह्मा बाबा का। और ब्रह्मा बाबा अनुसुईया में प्रवेश करता है या नहीं करता है? करता है या नहीं करता है? तो प्रवेश करने वाला पावरफुल होता है या जिसमें प्रवेश होता है वो पावरफुल होता है? वो पावरफुल होता है उस समय जिस समय प्रवेश करता है। और वैसे भी गणेश ने ही नहीं, कुबेर का मान तोड़ा, किसी और ने भी तोड़ा कि नहीं तोड़ा? किसने तोड़ा? रावण ने भी कुबेर का मान तोड़ा था। ठीक है ठीक है, लेकिन मान तो तोड़ा ना, अपमान तो कर दिया ना। तो कौन है रावण और कौन है गणेश? गणेश ब्रह्मा बाबा, और रावण कौन है फिर? बेकार आदमी नहीं कोई, उसका कोई रूप नहीं है, है? अरे रूप भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिसके चित्र बनाए जाते हैं उनका चित्र भी प्रैक्टिकल में होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। कौन है फिर? अच्छा, दुनिया में देहधारी गुरु हैं, हैं कि नहीं? ढेर के ढेर। सबसे बड़ा देहधारी गुरु कौन? ब्रह्मा बाबा। और रावण?
रावण भी अपने को क्या समझता था, बहुत बड़ा गुरु था। कितने सिर हैं लगे हुए? 10 सिर। और ब्रह्मा की गोद में भी कितने धर्म वाले खेलते हैं, है? 10 धर्मों के। तो बड़ा हुआ ना हुआ। और क्या नहीं धारण करते? सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म वतन है क्या चीज? कोई प्रैक्टिकल में लोक है या नहीं है? फिर सूक्ष्म वतन मनन चिंतन की एक स्टेज है, जो मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज है वो ही सूक्ष्म वतन है। उस मनन चिंतन की सूक्ष्म स्टेज को पहले पहले पकड़ने वाला कौन है? कौन पकड़ता है? जो पकड़ता है वो त्रिलोकीनाथ। और मन को अमन की स्थिति में ले जाने का श्रेष्ठ अभ्यास कौन सा है? सदाकाल के लिए ऐसा कहीं देखा कि लक्ष्मी एक आंख से ढेरी होती है? हाँ? बाबा कहते हैं माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए दिए हैं। किसी ने बना दिया होगा, आपने उसके ऊपर विश्वास कर लिया। हाँ जी, भक्ति मार्ग में जो बच्चा पैदा होता है ना, लड़की जो पैदा होता है भक्ति मार्ग पैदा होती है। स्कूल में जो बच्ची पैदा होता है तो जो तेरा होता है ना, होता है लक्ष्मी होता है, लक्ष्मी लक्ष्मी होता है, होता है जो लक्ष्मी आप है तेरा वर्ष, इसका मतलब विरोध में ये नहीं होता है, विरोध में जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी मारने वाला है वो थोड़ा भी तेरा चल चल रहा है। तो इस दुनिया में कोई कन्या जन्म लेती है, यदि कारणवश टेढ़ी हुई पाव या आंख, तो ऐसा कहावत है कि लक्ष्मी ने जन्म लिया। घर में कन्या जन्म लेती है तो हर आदमी कहता है ना कन्या ने, लक्ष्मी ने जन्म लिया। ऐसे थोड़े ही कि उसकी नाक आंख कान टांग टेढ़ी होगी, टूटी हुई होगी, तभी लक्ष्मी होगी। क्या मनन चिंतन मंथन करते हो? इसीलिए तो राम की सेना बताई है। हाँ, शिव बाबा का भक्ति मार्ग में भी पार्ट है और ज्ञान मार्ग में भी पार्ट है। शिव बाबा का तो बताया है, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है, इस सृष्टि पर सदा कायम एक ही शिव बाबा है। तो बाबा शब्द लगाने से साकार साबित हो जाता है और वो 5000 वर्ष इस सृष्टि पर पार्ट बजाता है, लेकिन संगम युग में हम उसे पहचानते हैं और 5000 वर्ष में उसे पहचानता भी नहीं है कोई। हाँ, तो भक्ति मार्ग किसको कहेंगे, ज्ञान मार्ग किसको कहेंगे? भक्ति मार्ग किसको कहेंगे? भक्ति मार्ग जब नहीं पहचानते हैं तो अंधे हैं, अज्ञानी हैं, नहीं जानते हैं, उसको भक्ति मार्ग कहेंगे। ब्राह्मणों की दुनिया में बाबा ने शिव बाबा ने बोला होगा ना, ब्राह्मणों की दुनिया में सब अंधे हैं क्या? कोई तो सोच रहा होगा कि सब अंधे हैं, है? सब तो नहीं है। लॉर्ड ड्रामा में जो शिव बाबा का पार्ट है वो तो गिरते कला का पार्ट है ना,
तो अपने ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार तो सुप्रीम सोच तो कभी गिरता नहीं था। विष्णु को उत्तम पद वाला कहा है या मध्यम पद है या कनिष्ठ पद? उत्तम पद वाला कहा है। और सृष्टि के आदि में सबसे ऊंचा पार्टधारी कौन है? विष्णु। जो आदि में सृष्टि के पार्टधारी उत्तम है, आदि सो अंत, तो अंतिम जीवन में भी ऊंची होगा या नीचा होगा? है ऊंचा ही होता है। इसलिए भक्ति मार्ग में दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर दिखा देते हैं ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। कहां की बात? यज्ञ के आदि की ही बात है। अंतिम जन्म में भी वो दोनों आत्माएं एक दूसरे के प्रति सामंजस्य रखने वाली होती है। विष्णु पार्टधारी ही है। और शरीर छोड़ने को होती है, दूसरे घर में उसका प्रतिष्ठा मतलब हो जाता है। नहीं नहीं होता। मतलब एक कभी छोड़ेगी दूसरे घर का उसको? नहीं, उसके संस्कारों के अनुसार। चार महीने पहले ही शरीर छोड़ने से पहले उसका शरीर निर्माण हो जाता है। आत्मा आती जाती नहीं है, निर्जीव पिंड तैयार हो जाता है। उसके कर्मों के अनुसार, उसके संस्कारों के अनुसार आत्मा प्रतिष्ठा करती है तो वो। और जब शरीर छोड़ती है तो उस निर्जीव पिंड में प्रवेश करके जीवन धारण कर लेती है। और विष्णु को क्या दिखाया भक्ति मार्ग में? पाताल में, पाताल में। हाँ, जो दिखाने वाले हैं वो मनुष्य हैं या भगवान है? है मुरली में तो बोला है भक्ति मार्ग में माया कीमत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए। और वैसे भी भक्ति मार्ग में तो दिखाते हैं भगवान चरित्र करते हैं। विष्णु ने जो भी अवतार लिए हैं उन अवतारों में विष्णु के चरित्र दिखाए गए हैं भगवान के। तो चरित्र ऊंचे ही हो सकते हैं या नीचे भी हो सकते हैं? नीचे भी हो सकते हैं। मनुष्य तन धारण करते हैं, भगवान आते हैं तो मनुष्य तन धारण करते हैं, तो मनुष्य जैसा ही पार्ट बजावेंगे या देवता जैसा पार्ट बजावेंगे? है मनुष्य जैसा ही पार्ट। मनुष्य ऊंचे से ऊंची भी कर्म करता है और मनुष्य नीचे से नीचे भी कर्म करता है। और आदमी ऐसा की उनकी लड़कियां पैदा होती हैं तो सबका मंदिर दुखी हो जाता है, लड़के पैदा होते हैं ऐसा की लड़कियां पैदा होती तो लड़की पैदा होने लगे क्या पूछूंगी क्या हुआ लड़की पैदा लड़का अरे लड़का पैदा हाँ हाँ लड़का पैदा होता है। सृष्टि में भी, सृष्टि के आदि में जब संगम युग हुआ तो
तो मानने वालों ने मान लिया कि लड़के के रूप में भगवान आया, पुरुष रूप में आया, और मानने वालों ने ये भी मान लिया कि भगवान स्त्री चोले के रूप में गुलजार दादी में आया। लेकिन आखिरी जब रिजल्ट होगा, रिजल्ट निकलेगा कि नहीं, सच्चा क्या है झूठ क्या है, तो क्या रिजल्ट निकलेगा है? अभी तो समझते हैं, अभी की समझ झूठ है या गलत है? आखिरी रिजल्ट निकलेगा तो कहेंगे कि भगवान पुरुष रूप में ही आता है, स्त्री चोले में नहीं आता है। तो सृष्टि की जब आदि होती है तो आदि में भी भगवान पहले प्रत्यक्ष होता है या स्त्री चोला पहले प्रत्यक्ष होता है? भगवान ही प्रत्यक्ष होता है। और कला है पक्ष में बढ़ती है, कला सूर्य पक्ष में बढ़ती है और वर पक्ष में घटती है, यही अर्थ है। संगम युग में कभी चढ़ती कला है और कभी उतरती कला है। जो चढ़ती कला है वो बढ़ती कला है, और उतरती कला है तो अंधेरे में जाने की कला है। और कहते ना पहले जो सुख है, पहला सबसे बड़ा सुख है, वो अपने शरीर से निरोग खाया, तो उसके लिए बाबा ने खान पान की परहेज के लिए बोला है, खान पान के परहेज के लिए बोला है, तो कौन सी चीज के साथ जो विरोधी खुराक होता है ना, वो उसके लिए बाबा ने कुछ बताया नहीं। कोई भी चीज साथ में खा रहे, जैसे उड़द की दाल और दही खाने से बीपी बढ़ता है ऐसा, ठीक है हाँ, तो कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए साथ साथ में? ओ एक एक गीता है, उस गीता में बताया भिंडी खाने से ऐसा होता है, बैंगन खाने से वैसा होता है, वो गीता ला करके इनको दो तो ये पढ़े। नहीं मतलब खान पान की परहेज के लिए बाबा ने बोला ना मुरली में, तो किस रीति से करने का खान पान? सीधी सी बात, सहज मिले सो दूध सम, मांग लिया सो पानी और खींच लिया सो, जो सहज सहज पच जाए वो ही सतो प्रधान, कठिनाई से पचे वो तमो प्रधान, पेट में जाके दर्द पैदा कर दे, बीमारी पैदा कर दे, दस्त होने लगे, उल्टी होने लगे, वो तमो प्रधान भोजन हो गया। तो जो इंग्लिश अभी दवाई लेते हैं वो लेना नहीं चाहिए, देसी दवाई लेनी चाहिए, कोई भी हमारे घर में जो होता है वही लेना चाहिए ना, वायु का प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो। हाँ, गाँव में देहात में जिनके घर में खेती होती है, अगर खेत में बैंगन पैदा होता है तो 6 महीने बैंगन ही बैंगन खाते हैं, क्या खराब है? जो बीमारी है वो कोई भी दवा खा तो चल नहीं सकते, ये सब मन के ऊपर है। विश्वासम फलदायकम, नहीं तो कितनी भी दवा करो, करोड़ों रुपए खर्च कर दो, नहीं ठीक होगा ना, तो नहीं ठीक होगा। आशा रहती वो खाद अच्छा हो गया, वो खाद अच्छा, उससे सोचते हैं कि ये चीज खाद अच्छा हो गया। नहीं बाबा, वो जो एंटीबायोटिक दवा होती है एलोपैथी, वो तो आगे जाके बाबा ने बोला फ्लॉप हो जाएगी, और वो आयुर्वेद वही चलेगा, होम्योपैथी की चलेगा? कोई पैथी नहीं चलेगी, सिर्फ याद की पैथी चलेगी। वो हीट पकड़ता है, ये तो हीट पकड़ता है ना, ये जो गोली एंटीबायोटिक है वो तो हीट पकड़ती है और ब्लास्ट करती है ना, हाँ, तो वो तो और भी खराब करती है ना बॉडी को, हाँ, तो नहीं खाना चाहिए ना इंग्लिश दवाई? ठीक है, तो देह को याद करने की दवाई नहीं खाना चाहिए, और जो विदेही को याद करने वाली है वो खूब खाना चाहिए। टीवी में साइंटिस्ट ने बताया 2020 तक कोई दवाई काम नहीं करेगा, हाँ, अभी न्यूज में देखा है जस्ट रिसेंट, हाँ, और भगवान की प्रत्यक्षता उससे पहले होनी चाहिए या बाद में होनी चाहिए? तो फिर और अरे अभी भी तो दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं,
आदमी का स्वार्थ इतना बढ़ता जा रहा है कि दवाई बनाने वाला दूसरे के कल्याण के लिए दवाई बनाता है और डुप्लीकेट बनाने वाला अपने कल्याण के लिए काम करता है। डुप्लीकेट ज्यादा बन जाता है और असली खत्म हो जाता है। दुनिया बोला है कि सिर्फ आप एवस्तुति है तो का पुजारी करते नहीं, दूसरे नंबर में चाहेंगे शंकर की एवस्तुति है तो पुजारी करते नहीं, उपमा क्यों देंगे याद करता है। शंकर का भी पुजारी नहीं बनता ऐसा तो मुरली में नहीं बोला, कोई मुरली हो तो दिखा ना। मुरली पढ़ने वाले तो यहाँ सुनने वाले तो बहुत बैठे होंगे। हाँ शिव बाबा के लिए बोला है, शिव बाबा कभी पुजारी नहीं बनता। तो वहां 5000 में पुजारी नहीं बनेगा तो यहाँ संगम युग में किसी की पूजा करेगा, किसी से बैठ करके ज्ञान सुनेगा, किसी को गुरु बनाएगा, पूज्य मानेगा, मानेगा है? नहीं मानेगा। हाँ हम के लिए पता है कि जो आते ही मर गया जो फल है हाँ पता है तो आते ही मर गया, आते ही मर गया तो आम्रपाली टाइटल भी चला जाएगा। वो तो भाषा बनाने वालों ने ऐसी भाषा बनाई है, भाषा की बात बनाई बताई, वास्तव में ऐसा होता नहीं है कि आते ही मर जाए। कोई है यहाँ बैठा हुआ जो कहे कि हम पूरे मर गए है? आज जिंदा होते हैं, बाप के बच्चे बनते हैं, कल माया उखाड़ देती है, अनिश्चय बुद्धि बनने लग पड़ते हैं। आज बाप की महिमा करते हैं, कल ग्लानी करने लग पड़ते हैं। तो मर गया कि जिंदा है? कोई नहीं मर गया, वो सिर्फ भाषा भाषियों की भाषा है। कोई भी नाइन की हो हाँ विश्व महाराजा बनने वाला जो होगा उसकी एक विशेषता बताइए कि ये जो ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है उस हर आत्मा के साथ उसका संबंध होगा। तो अभी विश्व महाराजा माना रामायण नारायण को ही कहेंगे ना, तो उसका संबंध आधारभूत आत्माओं के साथ भी होगा और बिल्कुल आत्मा दोनों से होगा या सिर्फ जो बीज है वो छोटा सा संसार उसका बाप कौन? शिव बाबा प्रैक्टिकल में है या हवा में है? तो परिवार भी प्रैक्टिकल में होगा या हवा में होगा? तो बताया है जिनसे बाप का संबंध है उनसे ही हमारा संबंध रखना चाहिए, जिनसे बाप का कोई संबंध नहीं उनसे हमारा कोई वो हमारे परिवार के है ही नहीं। अब आधार जड़ को कहा जाता है, जड़ निर्जीव है या सजीव है? यहाँ तो सजीव है जड़ भी, आधार भूत आत्मा जो है वो भी तो चैतन्य में है ना? है, लेकिन बुद्धि जड़त्वमयी है या चैतन्य है? जड़त्वमयी है। हाँ मुरली माने मोड़ने वाले ने जहाँ कहीं मोड़ना चाहा वहीं उसको मोड़ दिया, इसलिए उसको कहते हैं मुरली। हाँ वो वाणी है, वाचा से निकली है, लेकिन मुरली नहीं है। मुरली सिर्फ एक भगवान की है, शिव की है मुरली, ब्रह्मा की मुरली नहीं कही जाएगी।
इसलिए अव्यक्त वाणी में ही बोल दिया। समय समय पर संदेशियों के द्वारा जो वाणी चलाते हैं वो वाणी है सिर्फ, अव्यक्त वाणी, उसे मुरली नहीं कहेंगे। हाँ जी, अमन की बात बताइए। अमन स्थिति में रहने के लिए श्रेष्ठ उपाय बताइए। अमन स्थिति में, अमन अमन हाँ, रहने के लिए श्रेष्ठ उपाय, श्रेष्ठ उपाय है सिवाय बिंदी के और किसी को याद ही मत करो। प्रैक्टिस करते करते अमन हो जाएंगे। 63 जन्म लगे हैं, मन चंचल 100% बन गया, तो कुछ तो टाइम लगेगा प्रैक्टिस करने में। क्या प्रैक्टिस करें? अपन को आत्मा समझे, बिंदु समझे। हाँ, तो अभ्यास कितने जन्मों का पड़ा हुआ है? 63 जन्मों का अभ्यास पड़ा हुआ है। उस अभ्यास को समाप्त करने के लिए कुछ तो टाइम चाहिए, नहीं चाहिए तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अव्यक्त वाणी जो गुर्जर दादी के पहले संतरी दादी में चलाई है, उसका क्या भावना, क्या राज? ठीक है, टिक्कन दादी में चली, संतरी दादी में चली, ये तो संदेशियों के द्वारा जो वाणी चलती है उसे मुरली नहीं कहा जाता, वो सिर्फ अव्यक्त वाणी है। और तो दोनों में अटैचमेंट है, ब्रह्म बाबा दोनों आत्मा के हैं। पहले संतरी दादी में एक ही मुरली चली है और बाद में गुलजार दादी में सारा पूरा पाठ चला है। हाँ, गुलजार दादी को भी सजेस्ट तो ब्रह्मा बाबा ने किया ना, और गुलजार दादी को ही सजेस्ट क्यों किया, किसी और को सजेस्ट क्यों नहीं किया? इसका भी कोई कारण होगा या नहीं होगा? पहले संतरी दादी को सजेस्ट किया इसका कुछ, वो तो थोड़े समय के लिए, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद किसको सजेस्ट किया? गुलजार दादी को, उन्हीं को क्यों किया? नहीं, संतरी दादी के द्वारा भी शरीर छोड़ने के बाद ही वाणी चली है। चली, लेकिन वो परमानेंट के लिए नहीं चली। हाँ, अंत तक जो वाणी चल रही है वो गुलजार दादी के द्वारा ही चल रही है। तो उसका कारण है कि मनुष्य आत्मा भूत प्रेत बनती है, सूक्ष्म शरीर धारण करती है, और जहां उसका लगाव रह जाता है उस लगाव को पूरा करने के लिए वो सूक्ष्म शरीर धारण करती है। तो गुलजार दादी जब बच्ची थी बहुत आकर्षक थी, ब्रह्मा बाबा उसे बार बार अपने पास बुलाते थे और वो भाग जाती थी। सारी जिंदगी वो ब्रह्मा बाबा के नजदीक नहीं आई, और ब्रह्मा बाबा की डिड्या उस बच्ची पर बनी रही, उस डिड्या ने भूत प्रेत बना दिया। शरीर छोड़ा और उसी को सजेस्ट किया। नहीं माना तो ज्यादा कुमार का दादी को, इन सभी सितारों में जास्ती खातरी होती है कुमार का की, ऐसे मुरली में बोला है। बोलते पीवीटी 7-8 जन्म से वो किस बेस पे कैसे कर सकते हैं? बोले 7-8 जन्म से वो पवित्र है, ऐसा कौन ऐसा बोलते हैं? कौन कौन भुलिया भुलिया कौन बोलते हैं? बोलती है। मनुष्यों की वाणी पर विश्वास आप कैसे कर लेते हैं कि वो सच्ची है? सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई, और सुनेंगे। हाँ, जो सूर्यवंश का जो बीज है संगम युग में, उसको नौ धर्म का उसका शूटिंग होता है क्या? नौ धर्म का शूटिंग होता है, शूटिंग होता है।
होता है क्या? नवधर्म का शूटिंग नहीं होती असली जो बीज है जो अभी यहाँ जो जितने बैठे हुए हैं वो सब जरूरी है कि अंत तक एक बाप की ही बात मानेंगे। बाबा बताया जो शरीर रहते रहते जो दूसरा धर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ वो बाबा का असली बच्चा है। हाँ। तो इस संगम युग में तो नौ धर्म का तो छुट्टी होगा। हाँ। तो से ज्ञान में चल रहा कोई इस्लाम धर्म का बीज आया उसका साथ बातचीत हो गया उसका अच्छा लगा लेकिन उससे फिर मतलब ये कर बाबा के साथ आ गया ऐसे तो नौ धर्म का छुट्टी होता है सूक्ष्म में संपर्क में ब्राह्मण संगम युग दुनिया में यदि कोई इस्लाम या मुस्लिम धर्म के आपका कनेक्शन में आती है कनेक्शन में आने से कुछ नहीं होता कोशिश करने से भी कुछ नहीं होता ऐसे उनके प्रभाव से प्रभावित होना माना प्रजा बनना। अगर प्रभावित हो गया तो प्रजा बन जाएगा। ऐसे नौ धर्म का शूटिंग होगा ना? हाँ जी हो रहा है बाबा। ऐसे सर मेरा सब हुआ है। अच्छा बाबा आपने जो गुलजार दादी और ब्रह्मा बाबा के प्रवेश का पहले स्पष्टीकरण दिया ना तो उनसे एक बात भी साबित हो सकती है क्या कि ब्रह्मा बाबा 63 जन्मों में और गुलजार दादी दोनों एक दूसरे के युगल बनेंगे क्योंकि अभी वो आत्मा उनसे सवार हो रही है ऑक्यूपाई कर रही है उसको कंट्रोल प्रवेश करके लंबे समय तक पाठ चल रहा है ना उनका तो ये भी तो पॉसिबल हो सकता है क्या कि द्वापर कलयुग के जितने भी ज्यादातर जन्म है तो ब्रह्मा बाबा की वो युगल बनेगी गुलजार दादी ऐसा कह सकते हैं कि अभी वो सवार हो रही है ना उसके ऊपर। ब्रह्मा बाबा उस बच्ची को बच्ची के रूप में आकर्षित कर रहा था अपनी ओर आकर्षित कर रहा था कि पत्नी के रूप में आकर्षित कर रहा था। ये तो तुम कुमार हो इसलिए ऐसा सोच रहे। कुमारों को बस एक ही लाव लगी रहती है। बच्चियां तो ढेर है ना और ढेर बच्चियां वो तो छोटी बच्ची थी ना ब्रह्मा बाबा के टाइम पर वो थी जैसे कि सरस्वती बच्ची है तो मुरली में क्या बोला है ओम राधे सरस्वती ब्रह्मा बाबा की पत्नी थी या बेटी थी। अगर हम सोचें कि नहीं वो तो ब्रह्मा बाबा की पत्नी थी तो हमारा सोचना गलत है या अच्छा है सही है श्रीमत के बरखिलाफ है या श्रीमत के अनुकूल है गलत है। और इसी से कनेक्टेड आज की मुरली में एक पॉइंट आया क्या कि मम्मा तो जरूर चाहिए बाबा भी चाहिए तो बच्चा का हाथ आएगा। हाँ। माना मम्मा बाबा ये तो युगल के रूप में यज्ञ के आदि की तरफ इशारा दिया। यज्ञ के आदि में पहले माँ या पहले बाप दोनों साथ साथ पहले भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ा या ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन पड़ा तो उसके लिए माँ चाहिए तो जो जगदम्बा थी वो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन बनी वो माँ बनी लेकिन ज्ञान का फाउंडेशन नहीं काय का फाउंडेशन सुनने सुनाने का फाउंडेशन और प्रजापिता ज्ञान का फाउंडेशन बना तो ब्राह्मण तो बना ब्राह्मण रूपी बच्चा तो पैदा हुआ लेकिन बिना अम्मा के पैदा हो गया क्या है? हाँ कौन थी अम्मा जगदम्बा ही अम्मा हूं मां जरूर चाहिए। शून्य का गुणे के साथ वो किसी भी संख्या के साथ गुणा किया जाएगा तो शून्य आएगा। गुणा क्या धन किया जाए ऋण किया जाए भाग दिया जाए
तो कुछ भी नहीं आएगा। शून्य के साथ साकार चाहिए, अंक ही चाहिए। और वेदिक में जो ब्रह्मा में जो मुरिया चलती है, सीजन चलती है, तो उसकी डेट कौन फिक्स करती है? वो बताने की जो डेट सब कुछ वो फिक्स होती है, वो किसने की है? राधिया ने के ट्रांस में जाती है। दुनिया में भूत प्रेतों का धंधा चलता है कि नहीं? आवाहन करते हैं कि नहीं? उनको जो आवाहन करते हैं तो आवाहन कराने वाले अवलिया होते हैं कि नहीं? अवलिया होते हैं ना, तो ऐसे ही यहां भी अवलिया बैठे हुए हैं। अभी तो कुमार का दादी नहीं है, उस समय जब कुमार का दादी थी तो वो निश्चित करती थी कि बाबा कब आएंगे, उनके द्वारा निश्चित होता था, डेट अनाउंस होती। अभी कोई तो मुखिया होगा, जो मुखिया होता है, जो मौलवी होता है, वो उनका आह्वान कराता है और वो उस टाइम पर आते हैं, डेट अनाउंस की जाती है, फिर आना ना आना उनकी इच्छा के ऊपर है। डेट तो अनाउंस हो गई, फिर इस बारी जब डेट अनाउंस हुई सीजन के शुरुआत में, तो आए क्या? नहीं आए। उन्हें जहां जाना था वहां चले गए। कोई उससे भी ज्यादा जरूरी काम उनकी बुद्धि में बैठा है या नहीं बैठा है? बैठ गया। गुलजार दादी हॉस्पिटल में पड़ी रही अहमदाबाद में, वहां पार्ट नहीं बजाया। आबू रोड में भी नहीं आए, जहां ज्यादा जरूरत समझी। अरे एडवांस ज्ञान भी ले रहे हैं वो आत्मा या नहीं ले रही है? तो निश्चय बुद्धि बनता है या अनिश्चय बुद्धि एक जैसा बना रहता है? है, निश्चय बुद्धि भी बनते जाते हैं। तो जहां उनका निश्चय उस समय बैठा था वहां का कार्य करना उन्होंने जरूरी समझा। वो कार्य संपन्न होने के बाद फिर अनाउंसमेंट हुआ। जब यहां अनाउंसमेंट हुआ उसी टाइम पर वो काम भी पूरा हो गया। क्या पहली बार कौन सी तारीख को आए थे? ब्रह्मा बाबा पहली बार कौन सी तारीख को आए थे, कौन से महीने में? 21 है, 15 अक्टूबर को आए ही नहीं है। कब आए है? हाँ, 3 अक्टूबर को। अक्टूबर में बीच में कभी आए ही नहीं है। 21 तारीख को 21 अक्टूबर को महीना याद नहीं। चलो पक्का कर लेना, देख लेना है। इसी सीजन में अनाउंसमेंट हो गया, पार्टियां पहुंच गई और बाबा नहीं आए। बोले गुजरात दादी की तबीयत खराब है, ऐसा करके वो लोगों ने बता दिया है। हाँ, उधर तो वो रथ की तबीयत खराब है और एडवांस पार्टी का जो रथ है वो ज्यादा जरूरी है या बेसिक का रथ ज्यादा जरूरी है उनकी बुद्धि में? ये भी तो हो सकता है कि एडवांस ज्ञान ब्रह्मा की बुद्धि में बैठ रहा हो। जैसे हमारे अंदर निश्चय और अनिश्चय के दोनों संस्कार चलते हैं, जन्म और मरण के दोनों संस्कार चलते हैं, वो दोनों ही बातें ब्रह्मा की बुद्धि में नहीं चलती हैं। तो उस समय उनकी बुद्धि ने फैसला किया कि वो कार्य जरूरी नहीं है, वो कार्य पहले जरूरी है।
उस रथ की सुरक्षा जरूरी है, तो वहां नहीं गए हैं। ये पिछले साल भी उसका पिछले साल आया है, ये जो पिछले साल आया ना उसका पिछले साल आया, आए भी तो आधी बुद्धि इधर लटकी रही, बीच बीच में गुलजार दादी बोलती रही। हॉस्पिटल में थोड़ा थोड़ा बोल के ऐसा संदेश जैसा बोला था सबके सामने, थोड़ा थोड़ा 15-20 मिनट बीच बीच में उस अव्यक्त वाणी में गुलजार दादी की आवाज आ रही है। वो जो गोसे से बोलने वाली बात है वो नहीं थी। हाँ, सूक्ष्म शरीर का जो पावर था वो नहीं रहे, उसका ऐसा लग रहा है। अरे जो सूक्ष्म आत्मा है वो कोई जरूरी थोड़े ही कि गुलजार दादी में ही हमेशा कार्य करती है, वो दूसरी जगह भी देखती है, कार्य करती है। हाँ, जहाँ ज्यादा जरूरी है, जिस रथ की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है वहाँ सुरक्षा करेगी पहले, या उधर सुरक्षा करेगी जहाँ सब झूठे झूठे धोखेबाजी भरे पड़े हैं। और छपैया ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में बाबा। अयोध्या के पास कोई गांव है छपैया? मतलब वो उल्टा बाबा शिवलिंग उल्टा बता देते हैं, शिवलिंग ऐसा होता है और वो उल्टा बता देते हैं। हाँ, तिलक जो बता दे वो उल्टा नहीं, वो उसके चल रही है ऐसे मनमत वैसा है, तिलक में ऐसा उल्टा बता दे। वो तो बी दिखाई है, बी ऐसे ऐसे ऐसे, वो बी है, बी माना विजय की निशानी है। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि कोई भी युद्ध में नारायण की कभी हार हुई ही नहीं। जब भी हुई विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए उनके मस्तक पर बी दिखाई गई है। यू नहीं है, बी है। ये लाइनें यहाँ टेढ़ी हैं, ऐसी ऐसी नहीं, अगर करते हैं तो वो शास्त्र के अनुसार नहीं करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो तिलक है वही तिलक लगाना चाहिए नारायण को। और बोला कि योगी राज के साथ योगी ने भी है, जैसे बाबा प्रेसिडेंट को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, मेयर को शहर का प्रथम नागरिक कहा जाता है, उस तरह से राजा मतलब पहला नंबर, वो भी योगी और बाबा शंकर जी ने दिया, योगी राज के साथ योगी ने भी है, तो शंकर के लिए कहा गया योगी। हाँ ठीक है, तो राजा मतलब पहला वो भी योगी होता है। वो टैली कर रहे हैं किससे? अपने ज्ञान से। क्या टैली कर रहे हैं? दुनिया की बात। हाँ, जैसे मेयर पहला गवर्नमेंट में, डिस्ट्रिक्ट में पहला माना जाता ना, होता ओहदा प्रथम नागरिक, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को पहला। अरे दुनिया का पहला पुरुष ही है, आदिनाथ ही है, तो किसी से भी पहला कर दो, हर बात में पहला ही पहला तो है। मुरली में बोला है दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो, तो हर बात पहले बीज पे लागू होगी या दुनिया वालों पर लागू होगी? बीच में लागू होगी। और ब्रह्मा कुमारियों के
रक्षक हाँ पति है ब्रह्मा कुमारी के रक्षक पति है मुरली में कहा नहीं, रक्षक माना पति पति माना पाती जो रक्षा करे तो ब्रह्मा कुमारियों की रक्षा ब्रह्मा बाबा तो चला गया शरीर छोड़ गया ब्रह्मा के जाने से शिव भी चला गया तो रक्षा कोई करेगा या नहीं करेगा तो जो करेगा वो शिव है या नहीं है हाँ तो इसीलिए तो अव्यक्तवाणी में कहा कि जो कन्याएं माताएं यज्ञ में हैं जो पांडव हैं उन पांडवों को कन्याओं माताओं का रिगार्ड करना चाहिए उनको डायरेक्शन नहीं देना चाहिए गार्ड बने लेकिन गाइड न बने तो अभी गाइड बने बैठे हैं या रक्षा कर रहे हैं सिर्फ वो रक्षा का काम नहीं करते हैं वो गाइड कर रहे हैं उनको वो कलकत्ते का रविंद्र भाई जब बट्टी करके गया था वो रविंद्र भाई अपने घर में सेंटर चलाता था ब्रह्मा कुमारियों का फरुखाबाद में भट्टी करके गया तो सीधा कुमार का दादी के पास पहुंचा और दादी से कहा दादी ये यज्ञ में बहुत गड़बड़ हो जाएगा मैं जो कंपिल में जाकर के सुन करके आया हूं वो 100% सच्ची बातें हैं आप उनको झूठ नहीं साबित कर सकते तो कुमार का दादी ने मालूम क्या कहा था इस बारे में आप जाके जगदीश भाई से बात करो मैं नहीं जवाब दे सकती तो कुमार का दादी किसके अंडर में थी किसके गाइडेंस में थी जगदीश भाई के डायरेक्शन में उसी समय से ये सिलसिला चल पड़ा कि जो भी पांडव हैं बेसिक में वो गाइड बने बैठे हैं रक्षक नहीं है और जिनके पुत्र का नाम उत्पल बताया है उसका अर्थ क्या होता है घट ये बुद्ध रूपी घड़ा है उत कैसा घड़ा ऊंचा और कच्च लेकिन कच्चा घड़ा है ऊंचा घड़ा तो है लेकिन कच्चा है या पक्का है कच्चा घड़ा है और ओम शांति